हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप्स हो कि आपकी तैयारी अच्छी हो रही होगी। आज हम जा रहे हैं मैट्रिक क्लास एसएससी पार्ट टू केमिस्ट्री मॉडल पेपर सॉल्व करने। जैसे कि आपको पता है कि हमने हाफ कर लिया था बी सेक्शन का। हमने क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 7 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम 8 से लेकर 13 तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलें चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा था, डिफाइन द टर्म्स एनालिटिकल केमिस्ट्री, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अच्छा, ये आपको एनालिटिकल से तो समझ आ रहा होगा, ये वर्ड निकला है एनालिसिस से। एनालिसिस का मतलब है टू चेक। ठीक है, तो अब चेकिंग आपको करनी है। दो तरह की हो सकती है, क्वालिटेटिव चेकिंग हो सकती है या क्वांटिटेटिव चेकिंग हो सकती है। पहले हमें देखना होगा व्हाट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मेथड्स एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर द डिटरमाइनिंग द कंपोजिशन ऑफ मैटर इज कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री। या तो आपको आइडेंटिफाई करना है या फिर आपको उसकी क्वांटिटी बतानी है। जो भी चेकिंग है, उस चेकिंग को अगर हम एक साइंटिफिक मेथड से कर रहे हैं या इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हुए कर रहे हैं या कोई स्टेप फॉलो करते हुए कर रहे हैं, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री की फर्दर दो ब्रांचेस है, क्वालिटेटिव एनालिटिकल केमिस्ट्री और क्वांटिटेटिव एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, ये ऑर्गेनिक में ज्यादातर हम करते हैं। अब पहले हम देख लेते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटी का मतलब होता है हम टू चेक और टू आइडेंटिफाई कि आया हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक है कि नहीं है। अब सैंपल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्वालिटेटिव केमिकल एनालिसिस इज अ ब्रांच ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री दैट डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सैंपल। किसी भी सैंपल में जो आपको दिया जा रहा है उसको या तो एलिमेंट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा या ग्रुप ऑफ एलिमेंट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तो ये कंसिडर होगा क्वालिटेटिव एनालिसिस में। ठीक है, टेक्निक एम्प्लॉयड इन क्वालिटेटिव एनालिसिस वेरी इन कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सैंपल विच आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल टेस्ट एज ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस। केमिकल टेस्ट एंड फ्लेम टेस्ट आर द एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। आपको पता होगा कि आपने मैट्रिक क्लास में है तो आपने प्रैक्टिकल में किया होगा फ्लेम टेस्ट, और दूसरे केमिकल टेस्ट भी करते हैं जिसके अंदर आप एलिमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई किया होगा। ये सारी के सारी कौन सी टेस्टिंग है? क्वालिटेटिव एनालिसिस है। क्वालिटेटिव एनालिसिस को फर्दर हम डिवाइड भी कर सकते हैं ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस या इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, इतना आपको बताना काफी है, थोड़ी एग्जाम्पल भी दे दें। अब आ जाते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। ठीक है, अब क्वांटिटी से आपको समझ आ रहा है उसको काउंट करना है। ठीक है, किसी यूनिट में रिप्रेजेंट करना है, जैसे आपका रिजल्ट परसेंट में आपकी ग्रेड में रिप्रेजेंट किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह क्वांटिटेटिव एनालिसिस को आप क्या कहेंगे? क्वांटिटेटिव एनालिसिस एनी मेथड यूज फॉर डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ केमिकल इन अ सैंपल। सैंपल के अंदर कौन सी चीज कितनी मिकदार में है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्लड चेकिंग होती है, यूरिन टेस्टिंग होती है, तो उसके अंदर मुख्तलिफ तरह के कॉम्पोनेंट को टेस्ट किया जाता है। द अमाउंट इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन नंबर विद अप्रोप्रिएट यूनिट विच आर क्लासिफाई एज फिजिकल और केमिकल क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अच्छा, ये इसका वो रिप्रेजेंट किया जाता है, रिजल्ट हमेशा किसी यूनिट में दिया जाता है, जैसे आपका रिजल्ट दिया जाता है वो ग्रेड में दिया जाता है, उसमें 7% में दिया जाता है या नंबर में दिया जाता है। ठीक है, और ये जो क्वालिटेटिव एनालिसिस के फर्दर दो कैटेगरी हो सकती है, फिजिकल भी चेक किया जा सकता है और केमिकली भी चेक किया जा सकता है। ठीक है, एंड एसिड बेस टाइट्रेशन एज ए एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो याद रखिएगा, जो आप एसिड बेस करते हैं उसमें या तो आपको एसिड की स्ट्रेंथ मालूम करनी पड़ती है या मोल मालूम करना पड़ता है कि कितने मोल का है या फिर बेस का। तो इस तरह अगर हम किसी चीज की क्वांटिटी मालूम करें, इट विल बी कंसिडर्ड द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली जो है मेरी सजेशन ये होती है कि इसमें पूरे नंबर ही मिल जाते हैं, लेकिन आप इसको उसी वक्त अटेम्प्ट करें जब आपको 100% श्योर हो, आपको सारे मेथड आते हो किस तरह हम करते हैं। ये तीन रिएक्शन दिए हुए, कंप्लीट द फॉलोइंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से आपके जहन में बहुत अच्छी तरह से आ गया होगा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन सा है, एसिड बेस हाइड्रेशन है, ठीक है। एसिड और बेस के दरमियान जो रिएक्शन होता है इट विल बी कंसिडर एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब तीन सेट दिए हुए, एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नाइट्रिक एसिड दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड दिया है। मोस्टली आपको पता है ये जो हमारे पास होता है एसिड बेस हाइड्रेशन या एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट मालूम है ना, दोनों अपना पार्टनर चेंज कर लेते हैं। अब ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और नाइट्रिक एसिड है, पोटेशियम जो है वो नाइट्रेट के साथ आ जाएगा और वाटर जो है वो ओएच ग्रुप के साथ आ जाएगा। अगर इसके अंदर देखें तो सोडियम जो है वो सीएल के साथ आ जाएगा और ओएच ग्रुप ओएच हाइड्रोजन के साथ आ जाएगा। इसके अंदर अगर देखें तो कैल्शियम जो है वो सल्फेट के साथ आ जाएगा और वाटर बन जाएगा दो मॉलिक्यूल, क्योंकि H2 यहाँ पे है, दो ओएच ग्रुप यहाँ पर है। इस तरह इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कंसिडर कर सकते हैं। अब कंप्लीट करने चलते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट में पहले पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक एसिड में क्या बना, पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl में क्या बना, हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl को रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, सोडियम क्लोराइड और वाटर बनेगा। तीसरा हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड क्या बनेंगे, कैल्शियम सल्फेट बन जाएंगे और वाटर मॉलिक्यूल, दो वाटर मॉलिक्यूल होंगे। तो उसके बाद लिखने के बाद कंप्लीट करने के बाद हमें बैलेंस करने की जरूरत है, ये ऑलरेडी बैलेंस है, सेकेंड वाला भी बैलेंस है, थर्ड वाला बैलेंस नहीं है। यहाँ पे दो हाइड्रोजन आयन थे और दो ओएच आयन है, इसलिए प्रोडक्ट में दो वाटर मॉलिक्यूल का। तो आपको कंप्लीट करने के बाद इसको बैलेंस करना भी जरूरी है, बैलेंस के लिए स्टेप आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, बुक में से आपका ले सकते हैं आराम से। आपसे तीन सिग्निफिकेंट कार्बोहाइड्रेट्स के पूछे, तीन यहाँ पे मैंने बुक से ही दे दिया, आप इसमें से जो भी इजी लगे आप इसमें से ले लीजिए। देखिए आपको पता है कि प्लांट और एनिमल का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर जो होता है स्ट्रेन जो स्ट्रक्चर तो प्लांट का होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स को के हायर फॉर्म जो है वो स्टार्च भी है, सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज भी है, और ये एनर्जी स्टोर करने की सलाहियत है, ठीक है। ये एनर्जी जनरेट करवाते हैं, जैसे ब्लड शुगर के अंदर हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है, ठीक है। ये दे कीप आवर ब्लड शुगर लेवल इन चेक, ये ब्लड शुगर को लेवल में रखता है, ठीक है। सुक्रोज इज अ फूड एडिटिव, ये फूड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इट्स फाउंड इन कॉन्फेक्शनरीज, कंडेंस मिल्क, केन फ्रूट्स, जैम्स एंड जेलीज अमंग अदर थिंग, ये सारी इन तमाम चीजों में हम सुक्रोज यानी शुगर जो टेबल सॉल्ट टेबल शुगर कहते हैं वो यूज करते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो फाइबर की सूरत में प्रोवाइड करते हैं, जो कि कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करते हैं और प्रेशर ब्लड प्रेशर को रेगुलेट भी करता है, ठीक है। और भी इसके बहुत सारे यूज वो है यूजेस हैं इसके, ठीक है, सिग्निफिकेंट यूजेस है। इसमें से आप देख लें स्टार्च जो है वो फादर, उसको हम यूज करते हैं कोटिंग और साइजिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, और स्टार्च को हम मुख्तलिफ तरह की चीजों भी जैसे लॉन्ड्रीज में यूज करते हैं, क्लब वगैरह डालने के लिए, ठीक है, इथेनॉल प्रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये मेमोराइजेशन का है, आप उसको देख लीजिए एक नजर, और कॉमन जो आपको ईजी लगे उसमें से 3 से 5 आप मेमोराइज कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, ब्रीफली डिस्क्राइब, ब्रीफली डिस्क्राइब एनी थ्री बेनिफिशियल इम्पैक्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ऑन ह्यूमन सोसाइटी। अच्छा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कौन सी होती है, जहाँ पे दवाएं बनती हैं, ठीक है। ये इंडस्ट्री जो है बहुत पुरानी नहीं है, लेकिन जब से ये आई है हमें लाइफ जो है वो बेहतर हो गई है, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइफ बेहतर हो गई। अब इसके इम्पैक्ट आपकी बुक के अंदर 7 दिए हैं, आप इन 7 को एक नजर देख लीजिए। इसमें से हमें तीन जो है वो एक्सप्लेन करनी है, ठीक है, तीन एक्सप्लेन करते हैं। पहला इन्होंने दिया ट्रीटमेंट इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी लाइफ की लाइफ बढ़ गई है इसकी वजह से। इंडस्ट्री स्ट्रीव टू इरेडिकेट एंड एलिमिनेट डिजीज वगैरह कम हो गई है इसकी वजह से। रिड्यूस पेन एंड सफरिंग, जो एक्सीडेंट वगैरह है उसमें पेन किलर देकर आप रिड्यूस कर सकते हैं पेन को। वैक्सीन मनी सेव मनी, वैक्सीन अगर आप लगा लें तो आप बीमारियों से बच सकते हैं, इसलिए आपकी मनी पैसे बच जाएंगे। हॉस्पिटल स्टे
आज शॉर्टर यानी अगर आप बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल में ज्यादा अरसे तक नहीं रहेंगे, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो मेडिसिन प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से आप जल्दी बेहतर हो जाते फील करते हैं। द इंडस्ट्री एम्प्लॉयज मिलियंस ऑफ पीपल, लोगों को रोजगार इसकी वजह से मिला हुआ है, बहुत से लोग इंडस्ट्री से वाबस्ते हैं। और ये सिर्फ इंडस्ट्री से प्रिपरेशन के लिए नहीं होती, बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन और बहुत तरह के इसके स्टेप होते हैं, ठीक है। इनकमिंग जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसको परचेस करना, इसको फर्दर मार्केटिंग करना, तो बहुत सारे लोग जो हैं, मिलियंस ऑफ पीपल जो है इस इंडस्ट्री से वाबस्ते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज बूस्ट ग्लोब इकोनॉमिकली, इकोनॉमिकली कल जो है ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है, यानी इस तरह लोगों को रोजगार भी मुयसर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो तीन मैंने लिखे हैं, आप चाहें तो ये ले लीजिए, या फिर अगर आपको कोई और बेहतर मिल लगता है तो आप दूसरे ले रहे। ये पहला जो है वो ट्रीटमेंट इंक्रीज करने से क्या होता है, लाइफ बढ़ जाती है, यानी तकलीफ कम हो जाती है। द फार्मास्यूटिकल बिजनेस हैज अ मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल इंक्रीज इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर मैन एंड वुमेन, ठीक है। ओवरऑल फार्मास्यूटिकल कंपनीज प्ले अ वाइटल रोल, ठीक है, वाइटल रोल इन हेल्पिंग पेशेंट एंड कम्युनिटीज। जाहिर है लोगों के लिए बहुत ज्यादा आसानी है इसकी वजह से। दे प्रोवाइड मोर देन पोटेंशियल कर्स एंड लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट, बहुत सारे लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट जो है इनकी वजह से पॉसिबल हो सकती है। दे ऑल्सो क्रिएटिंग फुलफिलिंग जॉब एंड फ्यूल द ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी जो है इनकी वजह से बढ़ गई है, ठीक है, यानी मार्केटिंग की वजह से लोगों का इनकम बेहतर हुई है। अच्छा, दूसरा क्या है, द इंडस्ट्री स्ट्रीव टू इरेडिकेट एंड एलिमिनेट डिजीज। मुख्तलिफ तरह के जो है ये वैक्सीन बनाते हैं, और इनकी वजह से मुख्तलिफ तरह के ट्रीट दवाएं प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सी बीमारियां जड़ से खत्म हो गई हैं। जैसे बहुत सारी इस तरह की हैं, जैसे पोलियो है और भी बहुत सारी है, ठीक है। When it comes to creating remedies, the ultimate objective is disease eliminate. रेमेडीज के साथ साथ डिजीज को खत्म करना भी जरूरी है, एज दिस हेल्प इकोसिस्टम ऑन अ वर्ल्ड वाइड स्केल, और इसकी वजह से इकोसिस्टम बेहतर हो जाता है। जैसे एक स्मॉल पॉक्स है जिसको हम चेचक कहते हैं, इज द फर्स्ट एंड सो फार ओनली ह्यूमन इलनेस टू बी डिक्लेयर्ड एलिमिनेटेड ग्लोबली। अब तकरीबन पूरी दुनिया से स्मॉल पॉक्स खत्म हो गया, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के मुताबिक, ठीक है। अच्छा, अब रिड्यूस पेन एंड सफरिंग, जाहिर है मुख्तलिफ तरह के पेन किलर अवेलेबल है, तो हमें इसकी वजह से भी आसानी कम हो गया है। क्लिनिकल फार्मास्यूटिकल स्ट्रिप्स से प्रिवेंट एडवर्स रिएक्शन एंड हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है, बाय डिक्रीजिंग द ड्रग रिलेटेड मोबिलिटी, एंड दे कैन इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाती है स्पेशली इन ओल्डर एडल्ट पेशेंट एंड विद क्रोनिक कंडीशन। बहुत से क्रोनिक डिजीजेज हैं जो कि चलती रहती है, जैसे टाइफाइड है, और इसी तरह जो है उनको उन उन वो सारे पेशेंट इससे फायदा उठाते हैं। और ओल्ड एज में जो मुख्तलिफ तरह के हमें हेल्थ सप्लीमेंट हम प्रोवाइड करती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, उससे भी बहुत फायदा मिलता है। तो आप जो भी आपको मुनासिब लगे, इसके अलावा भी बहुत सारे जो भी हमने ऊपर डिस्कस किए, जो आपको मुनासिब लगे आप उसको मेमोराइज कर लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी डिस्क्रिप्टिव है। राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की खास कैरेक्टरिस्टिक होती है। हमने केमिस्ट्री को मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड किया हुआ है, इसमें ऑर्गेनिक वो है जो लाइफ से रिलेटेड है। लाइफ से रिलेटेड क्या, उनका ओरिजिन कहीं ना कहीं पे लाइफ होगा, ठीक है। वो हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव, और हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव कहाँ मिलते हैं, प्लांट ओरिजिन होते हैं ज्यादातर, या एनिमल ओरिजिन होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ केमिस्ट्री की डेफिनेशन आएगी, आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत पता चल जाएगा। दे कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन कंपाउंड और हाइड्रोकार्बन, इनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एक सोर्स हम ले लेते हैं, कंपोजिशन लेते हैं, सॉलिबिलिटी लेते हैं। सोर्स आपको पता है कि मोस्टली एनिमल और प्लांट होते हैं, ठीक है, और नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और लैब के अंदर भी सिंथेसाइज किया जा सकता है आर्टिफिशियली भी, ठीक है। अच्छा, लेकिन ओरिजन जो होगा, जो उसके इंग्रेडिएंट होंगे या जो उनके रॉ मटेरियल होंगे, वो लिविंग ऑरिजन ही होते हैं, ये याद रखिएगा। कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन आपको पता है कि मोस्टली जो है ये कार्बन चेन होती है, स्ट्रेट चेन भी होती है, और रिंग की सूरत में भी हो सकती है, ठीक है, और ये सिंगल बॉन्ड में भी हो सकती है, डबल बॉन्ड भी होता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो एक लार्ज नंबर ऑफ और कंपोनेंट होती हैं, ठीक है, बहुत सारे जो है हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस या कंपाउंड।
तो द प्रेजेंस ऑफ कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम, ये जरूरी है, कार्बन और हाइड्रोजन दो चीजें जरूरी है। उसके साथ कॉम्बिनेशन किसकी हो सकती है, हेलोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है, ये एलिमेंट उसके साथ मिलकर मुख्तलिफ तरह के फंक्शनल ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। और ये कोवेलेंट, ये जो है सब्सटेंस पोलर भी हो सकता है और नॉन पोलर भी हो सकता है, ठीक है। जैसे बेंजीन हमारे क्या है, नॉन पोलर है, जैसे जबकि इथेनॉल क्या है, पोलर है। अच्छा, सॉल्युबिलिटी की बात करें तो यह आपको पता है लाइक्स टू सॉल्व लाइक, जिस तरह का सॉल्वेंट होगा उसी तरह के सॉल्यूट होना चाहिए। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिफरेंट टाइप के हैं, यानी अगर दोनों पोलर है तो डिसॉल्व हो जाएंगे, दोनों नॉन पोलर है तो भी डिसॉल्व हो जाएंगे, एक पोलर और एक नॉन पोलर है तो उसके लिए डिसॉल्व करना मुश्किल होगा, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड टेंड टू डिसॉल्व वेल इन सॉल्वेंट्स डेट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज टू देम, दिस प्रिंसिपल इज ऑफन रेफर टू एज लाइक्स डिसॉल्व लाइक, व्हिच मींस दैट पोलर मॉलिक्यूल विल जनरली डिसॉल्व वेल इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल विल जनरली डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। एग्जाम्पल क्या है, बेंजीन है, कार्बन डाइसल्फाइड है, ये सारे के सारे जो है सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं अगर हमारे पास पोलर नॉन पोलर हो, ठीक है, सॉल्यूट हो। अच्छा, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13, इसके दो पार्ट हैं, ठीक है। इसमें हमें रीजन लिखना है, देखिए इसमें आपको पता है रीजन जब निकल लिखते हैं तो हमें ऐसा रीजन है ना जो वैलिड हो। तो पहला हमारा क्वेश्चन है व्हाई सिलिकॉन कंपाउंड्स आर लेसर देन डेट ऑफ कार्बन कंपाउंड। आपको पता है सिलिकॉन और कार्बन जो है एक ही ग्रुप का है, दोनों 4A के, ठीक है, मेंबर। ऊपर की साइड पे कार्बन है, नीचे की साइड पे सिलिकॉन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, 14 है, ठीक है। दोनों के वैलेंस शेल में चार चार इलेक्ट्रॉन, तो ये टेट्रावेलेंट भी बनाते सब्सटेंस बना सकते हैं। अब साइज जो है सिलिकॉन का बड़ा है तो सिलिकॉन के लिए बॉन्डिंग करना मुश्किल है, कार्बन का छोटा है तो कार्बन के लिए बॉन्डिंग करना आसान है। अब इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हम इसका रीजन लिखेंगे। रीजन बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना है, 3 या 4 लाइनों का रीजन काफी होगा, लेकिन जो भी रीजन होगा वो आपने सही तौर पर बताना है, ठीक है। द की डिफरेंस बिटवीन सिलिकॉन एंड कार्बन इज द कार्बन इज नॉन मेटल वेयर सिलिकॉन इज मेटलाइड। पहला डिफरेंस तो यह है कि कार्बन प्योर नॉन मेटल है जबकि सिलिकॉन जो है मेटलाइड है। कार्बन एंड सिलिकॉन बोथ आर इन द सेम ग्रुप 14 यानी 4A है, और द प्रेडिक्टेबल एज सिलिकॉन एटम इज लार्जर हेंस कांट फॉर्म लॉन्ग चेन कंपाउंड लाइक कार्बन एटम। क्योंकि सिलिकॉन का साइज बड़ा होता है, मेटलाइड भी है, तो इसके लॉन्ग चेन बनाना मुश्किल है। बोथ कार्बन एंड सिलिकॉन शो द एबिलिटी टू कैटिनेशन, दोनों के अंदर कैटिनेशन की प्रॉपर्टी मौजूद है। बट कंपाउंड मेड बाय सिलिकॉन आर रिएक्टिव एंड लेस स्टेबल, ये रिएक्टिव भी होता है बहुत ज्यादा और लेस स्टेबल भी होता है, इसलिए पॉलीमर पे या तो डीकम्पोज हो जाएगा या किसी और से रिएक्ट करके दूसरा सब्सटेंस बना देगा। ऑन द अदर हैंड बॉन्ड फॉर्म बाय कार्बन आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेंस द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर मोर स्टेबल देन सिलिकॉन कंपाउंड। इसलिए कार्बन के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जाहिर सिलिकॉन तो नॉन मेटल में आएगा, उसमें आ जाएगा इनऑर्गेनिक में, कार्बन के जो कंपाउंड है सारे के सारे जो है वो क्या होते हैं, वो स्टेबल सब्सटेंस बनाते हैं सिलिकॉन के कंपाउंड के मुकाबले में। सिलिकॉन हैज नो टेंडेंसी टू फॉर्म डबल बॉन्ड विद इटसेल्फ, अपने ही जैसे दूसरे सिलिकॉन के साथ मिलके आमतौर पर डबल बॉन्ड नहीं बनाते, जैसे कार्बन की ये क्वालिटी है कि अपने ही जैसे दूसरे कार्बन के साथ मिलके आराम से डबल बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। इसी वजह से इसके साइज बड़ा होने की वजह से ये फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, कैटिनेशन का प्रोसेस बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये तो आप रीजन साइज को यूज करते हुए बता सकते हो। नेक्स्ट हमारा दूसरा जिसका पार्ट है ये है व्हाई प्योर वाटर कंसिडर एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब प्योर वाटर जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, जबकि इसके अंदर ऑटो जो है अरेंजमेंट होती रहती है और ये अपने ही जैसे दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलकर एच आइन और ओ एच माइनस आइन बनाते रहते हैं, सेल्फ आयोनाइजेशन जिसको कहते हैं, जो कि आपने पढ़ा हुआ है। अच्छा, प्योर वाटर मॉलिक्यूल डू नॉट हैव इनफ आइंस टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एंड टू एंड एंड। प्योर वाटर के अंदर क्या होता है, इतनी पावर नहीं होती कि वो अपने इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट एक आयन से दूसरे आयन में ट्रांसफर कर सके, यानी जाहिर है एक जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक की ज्यादा होगी दूसरे की कम होगी, पोलर दोनों है यानी पोलर इसका एक पोल पॉजिटिव है एक पोल नेगेटिव है, तो ये प्योरली जो है वो ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकते, ठीक है। प्योर वाटर इज अ पोअर इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू द फ्यूचर, और इस वजह से प्योर वाटर क्या है, प्योर इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट वो करेंगे उसको कहेंगे जो वाटर के अंदर आयंस फौरी तौर पर लिबरेट कर दें, ठीक है। प्योर वाटर
इज बोथ वीक एसिड एंड वीक बेस। ये वीक एसिड के तौर पे भी काम करेगा क्योंकि इसके पास एच प्लस आयन है, वीक बेस के तौर पे भी काम करेगा क्योंकि इसके पास ओ एच आयन है। द वाटर इज न्यूट्रल लिक्विड विच पजेस इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, और वाटर के पास जो है टोटल नंबर ऑफ एच प्लस आयन और ओ एच माइनस आयन बराबर होता है। इस वजह से वाटर को कंसिडर करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। इट आयोनाइज अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, और ये रिएक्शन यहाँ पे मौजूद है, इस रिएक्शन के हिसाब से ये वर्क करता है। के सी आपको पता है कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऊपर लिखते हैं, रिएक्टेंट नीचे लिखते हैं, तो ये इक्वेशन का के सी निकल गया। अब के सी के अंदर जो है, अगर हम इसको लीनियर फॉर्म में लाएं तो हमें पता है के सी क्या हो गया, वाटर और इज इक्वल टू एच प्लस आइन प्लस ओ एच माइनस आइन माइनस। इसको हम कॉन्स्टेंट कर लें तो के डब्ल्यू बन जाएगा, तो के सी इज इक्वल टू वाटर के डब्ल्यू, और के डब्ल्यू क्या होगा, ये हमारे पास एच प्लस आइन और ओ एच माइनस आइन। केसी क्या हो जाएगा, एच प्लस आइन और ओ एच माइनस आइन, और इसकी के डब्ल्यू क्या है, ये आइन प्रोडक्ट है। किसका आइन प्रोडक्ट है, वाटर का, और इसकी वैल्यू क्या है, 1:10^-14। इट मीन्स कि ये न्यूट्रल इन नेचर है। क्यों न्यूट्रल इन नेचर है, कि जितने इसके पास एच प्लस आइन है इतने इसके पास ओ एच माइनस आइन है, और अगर हम इसके यूनिट देखें तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम आइडेंटिफाई करें वाटर को, तो वाटर क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। क्यों वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, ये रीजन आपको समझ आ गया होगा कि ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर को जहन में रखेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। अब नेक्स्ट में जो है हम क्या करेंगे, हम डिस्क्रिप्टिव लॉन्ग के सेक्शन सी के डिस्क्रिप्टिव लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, होप सो कि इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू।